बहराइच के लेसर रिसोर्ट में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के पौत्र के मुंडन संस्कार कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित सूबे के कई दिग्गज मंत्रियों का रहा जमावड़ा। डॉक्टर दिनेश शर्मा का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन ग्राउंड में उतरा, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनकी अगुवाई बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने की, तथा उनके साथ पीडब्ल्यूडी डॉक बंगले पहुंचे, जहां जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बहराइच की मात्र 35 मिनट ही दिए, कार्यक्रम में शामिल होकर हुए वापस रवाना, जहां डॉक्टर दिनेश शर्मा पत्रकारों से मुखातिब हुए और अयोध्या प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि राम जी सब कुछ करा रहे हैं, तो राम जी के बारे में कौन कराएगा, राम जी का ताज है, कितनी जल्दी करा दे वो ही जाने, जैसे प्रभु राम सबको साथ लेकर चले थे, ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बहराइच में मात्र 35 मिनट रुके और लखनऊ रवाना हो गए। मीडिया करती रही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का इंतजार। भाजपा ने अपना जो संकल्प पत्र है उसमें अपना स्पष्ट अभिमत दे दिया है, हमारा मत आपको पता है। अब राम जी उस काज को कितनी जल्दी करा दे, उनकी सदकृपा कितनी जल्दी होगी, मैं समझता हूँ कि ये भारतवर्ष जो है ये धर्म और आस्था पर चलने वाला देश है। धार्मिक आस्था जो है वही हमें सदकर्म को करने के लिए प्रेरित करती है, और भारतीय जनता पार्टी रामराज की परिकल्पना के आधार पर काम कर रही है। राम काज क्या है? राम काज है सत्य पर चलना, गरीबों को पिछड़ों को जोड़ना, ये तो उन्होंने रीच बानर भालू को जोड़ा ना, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया प्रधानमंत्री जी ने, और उसके साथ साथ उन्होंने हर बैंक में किया कि बैंक में लोन मिलेगा आपको, 10 लाख का लोन भी जो है 1 करोड़ तक का केवल 59 मिनट में दे रहे हैं। जनधन खाते खोले, किसके लिए खोले? गरीब के लिए। गरीब कौन था? वो पिछड़ा था, अनुसूचित था, दलित था, ये थे। यानी आज 90% योजना बिजली दी किसके दी? जो उससे वंचित थे, सौभाग्य योजना के माध्यम से। आवास दिए किसको दिए? जो वंचित थे उनको दिए। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस दी किसको दी? जो वंचित थे, पिछड़े थे, उनको अधिकांश लाभ हुआ। यानी ये सरकार वही काम कर रही है जो राम राज्य में गरीबों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो राम काज का वही राम काज कहलाया। ये राम काज को पूरा करने का काम हमारी केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार योगी जी की बड़ी सक्षमता के साथ कर रही है, और पहली बार हमारा बजट जो है कृषि आधारित बजट हुआ है। किसानों की आमदनी को दुगना करना, राहत जो आपका आपदा हो उस आपदा को तत्काल 1.5 गुना तक का उसको पहुंचा देना, ये एक ऐसे कार्य है जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुए। गरीब को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा सरकार उठाए, हिंदुस्तान के जब आजाद हुआ होगा तो ना हिंदुस्तानी किसी नेता ने सोचा होगा और ना ही विदेशी शासकों ने सोचा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लाने का काम प्रधानमंत्री